गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ये हमारा चैप्टर 5 है वाटर ज्योग्राफी का। लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक डिस्कस किया गया था, आज हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो जमीन पे आपका जो पानी होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसमें जमीन के अंदर ऑलमोस्ट 71% जो जमीन का जो एरिया है वो कवर किया हुआ है पानी। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा आपका ओशियन ने सबसे ज़्यादा इसको कवर किया गया है। अगर हम इसका परसेंटेज देखा जाए तो यहाँ पे 97% जो है आपका वाटर जो है यहाँ पे ओशियन ने कवर किया हुआ है। और इसका जो नेचर होते हैं वो आपका सैलिन होते हैं, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा जो ये पानी जो है इसमें साल्ट जो मिक्स होते हैं और ये हमारा पीने इसको इस्तेमाल करने के लायक नहीं होते हैं। इसके बाद आपका ग्लेशियर और आइस केप से हमें पानी जो हासिल होते हैं वो है आपका 0.2.0। वो सारा आपका क्या है, फ्रेश वाटर आते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके बाद आपका ग्राउंड वाटर होते हैं, ग्राउंड वाटर आपका 0.6% होते हैं, ये भी फ्रेश वाटर होते हैं, इसको भी हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपका फ्रेश वाटर लेक से आते हैं, वो है आपका 0.009%, ये भी फ्रेश आते हैं, इसको भी हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपका इनलैंड सी एंड साल्ट लेक से आते हैं, वो भी आपका 0.009% होते हैं, वो भी क्या होते हैं आपका फ्रेश होते हैं। इसी तरह आपका एटमोसफियर से जो पानी होते हैं आते हैं वो है आपका 0.0019, ये भी क्या आते हैं, फ्रेश आते हैं। इसी तरह आपका रिवर होते हैं जहाँ से भी 0.001, ये भी फ्रेश वाटर होते हैं, इसको भी हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ज़मीन के अंदर अलग अलग टाइप्स में, वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसमें आपका ओशियन का है 97%, बाकी जो 3% है वो आपका बाकी जो वाटर सोर्स है। वाटर स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी कहा जाता है कमी होना, कम पानी की कमी होना। तो अगर हम इवन दो देर इज मोर देन वाटर लैंड ऑन द अर्थ सरफेस, योर मेनी कंट्रीज आर फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी। यहाँ तक हमने देखा है जमीन के अंदर आपका 71% जो है वाटर आपका अवेलेबल है, फिर भी बहुत से ऐसे कंट्रीज जहाँ पे पानी की क्या होते हैं किल्लत होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 97% जो वाटर है वो आपका सैलिन, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सी वाटर है इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकी जो आपका यहाँ पे परसेंटेज है वाटर की वो बिल्कुल क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से कंट्री में पानी की क्या होता है किल्लत होती है। इसका जो रीज़न है पानी की कमी होने का जो रीज़न है वो आपको यहाँ पे 3-4 रीज़न दिया हुआ है, हम देखेंगे इसमें क्यों आपको यहाँ पे शॉर्टेज होते हैं। पहला जो है आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओनली 2.5% इन फ्रेश वाटर। तो जो हमने 100% में से देखा है जो फ्रेश वाटर है वो आपका ओनली 2.5% जो है सिर्फ हमें ताज़ा पानी है, बाकी जो आपका बाकी परसेंटेज है वो पीने का काबिल नहीं होते, उसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होते। ऑफ दिस 2.5% में से 70% को एज आइस शील्ड एंड ग्लेशियर, उसमें से 70% जो है आपका या तो आइस शीट में होते हैं या वो ग्लेशियर में होते हैं, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होते हैं। तो ये भी एक ये है 30% ही हमें क्या होते हैं वहाँ से पानी, 2.5 में से आपका यहाँ पे 70% आपका यहाँ पे ग्लेशियर और आइस शीट होते हैं, बाकी जो आपका क्या होते हैं पानी होते हैं, उसकी वजह से भी इसका क्या होते हैं आपका स्कैर्सिटी होते हैं। Availability of water resource vary over space and time due to the variation in seasonal and annual precipitation. तो यहाँ पे एक रीज़न ये है जो आपके पास पानी मौजूद होते हैं वो आपका क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं ओवर स्पेस यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि आपका यहाँ पे वेरिएशन आते हैं, सीजनल वेरिएशन आते हैं या आपका एनुअल साल में यहाँ पे आपके क्या होते हैं अलग अलग वेदर होते आते हैं, इसकी वजह से ये पानी जो है ये भी क्या हो जाते हैं जो आपके पास रिसोर्स है वो भी आपका यहाँ पे क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका
जैसे कि आप समर में देखते हैं हम, वहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादा बारिश होते हैं, उसकी वजह से आपका यहाँ फ्लड्स वगैरह आते हैं, उसकी वजह से आपका जो फ्रेश वाटर है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, ये सब रीज़न है जिसकी वजह से हमें क्या होते हैं, पानी की यहाँ पे कमी होते हैं। जो फोर्थ जो आपका रीज़न है वो रिन्यूएबल वाटर ऑन अर्थ इज कंस्टेंट वेल डिमांड इज इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली। तो यहाँ पे रिन्यूएबल जो वाटर होते हैं, बार बार हम पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन और जमीन पे, वो कॉन्स्टेंट रहते हैं वेल डिमांड इंक्रीज, डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मगर वो रिन्यूएबल जिसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक अपने ही लिमिट पे होते हैं। बाकी जो हमारा डिमांड होता है पानी के, वो ज़्यादा ट्रेमेंड्रसली यहाँ पे क्या हो, ज़्यादा मकदार में वो बढ़ जाते हैं। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें पानी के क्या होते हैं, शॉर्टेज होते हैं। पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर हैज फर्दर एग्रीवेट द क्राइसिस। तो पॉल्यूशन ऑफ रिवर, रिवर जो पानी, जो फ्रेश पानी होते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली, जो पानी वो भी आज के डेट में क्या होते हैं, ज़्यादा मकदार में ये भी क्या हो जाते हैं, आपका पल्यूट होते हैं, ख़राब होता जा रहा है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये वाटर स्कार्सिटी का हमें क्राइसिस देखने को मिलते हैं। तो ये पांच रीज़न है जिसकी वजह से हमें पानी की क्या होते हैं, शॉर्टेज होते हैं, किस पे, ज़मीन पे। इसके बाद आपका ओशन सर्कुलेशन। तो ओशन जो समंदर है उसका क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, सर्कुलेट मीन्स उनका मूवमेंट होते हैं। ओशन जो समंदर होते हैं उसका क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। क्यों होते हैं वो देखेंगे हम यहाँ पे। देर आर फोर मेजर ओशंस इन द अर्थ। जमीन पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे कितना आपका ओशन से, यहाँ पे चार आपके पास ओशंस जमीन पे मौजूद है, नेमली जिसका नाम है आपका, एक पैसिफिक ओशन है, एक आपका एटलांटिक ओशन है, एक आपका इंडियन ओशन है, एक आपका आर्कटिक ओशन है। तो यहाँ पे पूरा आते जमीन पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, चार ओशन देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े ओशन देखने को मिलते हैं, समंदर देखने को मिलते हैं। मूवमेंट इन द ओशन वाटर कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। तो इनके अंदर, इन जो ओशंस के अंदर क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उन ओशन के अंदर एक मूवमेंट आते हैं, एक सर्कुलेशन आते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे इन हेडिंग जो नीचे दिया हुआ है, तीन पॉइंट्स, उसके थ्रू हम इसका क्या करेंगे, स्टडी करेंगे किस तरह ये मूवमेंट करते हैं। तो पहला यहाँ पे जो मूवमेंट करते हैं वो है आपका, वो आपका कौन सा है, वो आपका यहाँ पे वेव से, एक सेकंड आपका टाइडल से, थर्ड इसका क्या है, करंट से। आज हम यहाँ पे कवर करेंगे आपका वेव्स और टाइडल्स को, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो पहला हम देखेंगे वेव्स क्या है, वेव्स और हॉरिजेंटल मोशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो आपका वेव्स है वो एक हॉरिजेंटल क्या है, मोशन से, किसका, वाटर का, पानी का, ये हॉरिजेंटल क्या है, मोशन है, मीन्स ये इस तरह होगा, वर्टिकल आपका इस तरह होता है, ये क्या होगा, ये जो वेव्स है इसका जो मोशन होगा वो ऊपर हाई यहाँ पे मूवमेंट करेगा। ठीक है, दे और द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ओशन मूवमेंट, ये आपका आम मूवमेंट है, ये कॉमन मूवमेंट है जो अक्सर देखने को मिलते हैं किसके अंदर, आपका ओशंस के अंदर। ए वेव इज द अप एंड डाउन मूवमेंट ओशनिक वाटर। जो आपका वाटर है ओशन, जो आपका समंदर का पानी है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, आपका अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं, इसी को हम क्या कहा जाता है, वेव कहा जाता है। इन विच अल्टरनेटिव राइज एंड फॉल सी सरफेस इज नोटिस्ड। उस टाइम हमें देखने को मिलते हैं, कभी कभार आपका यहाँ पे अक्सर देखने को मिलते हैं, जिसमें अल्टरनेटिव बार बार क्या होते हैं आपका, या तो ये राइज होते हैं या तो ये फॉल फॉल होते हैं। तो यहाँ पे हमें नोटिस, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, ओशंस के अंदर। वेव्स आर मैनिफेस्टेड बाय अ फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस एंड ट्रॉफ। तो यहाँ पे आपका उस वेव से दो चीजें आपको हासिल होते हैं, एक आपका क्रस्ट देखने को मिलते हैं, एक आपका ट्रॉफ देखने को मिलते हैं। क्रस्ट रिफर्स टू द अपर पार्ट एंड ट्रॉफ इज द लोअर पार्ट ऑफ द वेव। जब आपका वेव यहाँ से इस तरह क्या होते हैं, जैसे हमें इसको यहाँ पे आपका इमेज के थ्रू इस तरह, ये आपका क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, एक आपका क्रस्ट है एंड एक आपका क्या है, ट्रॉ है। क्रस्ट रेफर करते हैं हम किसको, अपर पार्ट को, ये पार्ट है, इसको हम क्या कहा जाएगा, आपका क्रस्ट कहा जाएगा। और आपका यहाँ पे लवस, जो नीचे वाला आपका लवर पार्ट है वे का, उसको हम क्या कहा जाते हैं, आपका यहाँ पे
उसको कहा जाते हैं आपका यहाँ पे ट्रफ कहा जाते हैं। तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा है आपका, इसको हम क्या कहा जाते हैं, ये आपका ग्राउंड लेवल का है, जैसे कि इस लेवल में आएगा, इसको हम क्या कहा जाएगा, इसको हम ट्रफ कहा जाएगा। और ये ऊपर उठ जाते हैं, इसका लेवल यहाँ पे ओशन का लेवल वाटर लेवल यहाँ पे ये उठ जाते हैं, तो इस अपर पार्ट को हम क्या कहा जाते हैं, क्रश कहा जाते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहा जाते हैं, ट्रफ कहा जाते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रॉस और ट्रफ इज नोन एज वेव लेंथ। तो यहाँ इससे लेके यहाँ से लेके यहाँ पे जो डिस्टेंस होते हैं इसको हम क्या कहा जाते हैं, उसको हम वेव लेंथ कहा जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, बिटवीन द क्रस्ट एंड द आपका ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस वहाँ पे बनते हैं उसको हम क्या कहा जाते हैं, उसको हम वेव लेंथ कहा जाते हैं। इन वेव्स वाटर डस नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, रादर इट मूव्स अप एंड डाउन। इसका मतलब जब आपका कोई भी मूवमेंट होते हैं इन वेव्स में, जब यहाँ पे आपका वेव्स देखने को मिलते हैं तो ये अपने जगह को क्या करते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे ये पानी है, ये मूवमेंट होकर यहाँ पे नहीं जाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ये ऊपर उठ जाते हैं, ये अप एंड डाउन हो जाते हैं, ये पहले अप हो जाते हैं इसके बाद ये डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है आपका, जब वेव्स होते हैं तो पानी जो है वो आपका मूवमेंट नहीं करते, वो अप एंड डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू थ्रो ए स्टोन इन द पॉन्ड, जैसे कि आपका कोई पॉन्ड है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पे कोई पत्थर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टोन को थ्रो कर रहे हैं, तो सेवरल वाटर क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, मगर ये वेव्स में नहीं आते। जब आप कोई पॉन्ड होते हैं जहाँ पे आप पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पे जो लहर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अरेव एंड दिस रिपल्स स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन टुवर्ड्स द पेरीफेरी। तो यहाँ पे जो यहाँ हमने पत्थर फेंका है और उसका जो यहाँ पे रिपल्स होते हैं, लहर होते हैं, वो एक जगह ओरिजिनल जगह से, यानी उसका जो जगह है वहाँ से वो क्या करते हैं, टुवर्ड्स आगे जाते हैं, किसकी तरफ, सरफेस ऑफ समथिंग, यानी ओरिजिनल जगह से वो दूसरे जगह पे ये क्या किया जाते हैं, मूवमेंट किया जाते हैं, मगर ये वेव्स में देखने को नहीं मिलते हैं। वेव्स आर मेनली कॉज्ड बाय द विंड्स हीटिंग ड्रिविंग अगेनेस्ट वाटर। तो यहाँ पे जो वेव्स होते हैं वो मेनली किस की वजह से होते हैं, जब विंड्स आते हैं, जब आपका यहाँ पे हवा चलते हैं वो हिट करते हैं किसको, अगेनेस्ट वाटर के अगेनेस्ट वो हिट करते हैं, उसकी वजह से ये वेव्स उठते हैं। वेव्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स का आपके पास वेव्स है। नेम इसका जो नाम है वो है आपका यहाँ पे, एक आपका है सी स्वेल एंड सेकंड है आपका सर्फ वेव्स। तो यहाँ पे तीन टाइप्स ऑफ वेव्स आपको देखने को मिलेगा, एक आपका सी सीगल है, दूसरा आपका सर्फ वेव्स है, थर्ड देयर इज अनदर वे और एक है जिसका नाम है आपका कैटास्ट्रोफिक वेव्स, व्हिच आर ह्यूज टाइडल वेव्स दैट अराइव ऑल ऑफ सडन एंड और वायलेंट इन नेचर। और यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक जो है, बाकी जो दो है सी सीगल है एंड सर्फ वेव्स है, ये इतना, ये एक नॉर्मल यहाँ पे वेव्स है, इसका कोई यहाँ पे असर देखने को नहीं मिलते, मगर जब आपका कैटास्ट्रोफिक जो वेव्स जब उठते हैं तो ये बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं और ये सडन आते हैं और ये बहुत ही वायलेंट करते हैं, बहुत ही आपका यहाँ पे तंग करते हैं। दिस वेव्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय द अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडरवाटर लैंडस्लाइड। तो यहाँ पे तीन चीज़ों की वजह से यहाँ पे ये कैटास्ट्रोफिक जो वेव्स उठते हैं वो किसकी वजह से उठते हैं, या तो समंदर के नीचे, सी के नीचे, ज़मीन के यहाँ पे पानी के नीचे, समंदर का जो पानी है उसके नीचे, या तो यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, जलजला आते हैं, या वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, वहाँ पे आतशबाजी फट जाते हैं, या तो यहाँ पे क्या होता है, ज़मीन के नीचे, यहाँ पे वाटर के नीचे ही क्या होता है, लैंडस्लाइड होते हैं। इन तीनों चीज़ों की वजह से आपका कैटास्ट्रोफिक वेव्स आपको यहाँ पे देखने, और ये बिल्कुल कम आते हैं, जब आते हैं तो बहुत यहाँ पे क्या करते हैं, नुकसान यहाँ पे करते हैं किसके अंदर, ज़मीन के ऊपर। देयर आर एवरी डिजास्ट्रस एंड कॉज ए हैविक लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट द कोस्टल एरियाज। तो जहाँ पे कोस्टल एरिया है, जहाँ पे जो समंदर के जो एरिया है जहाँ पे लोग बसा होते हैं, वहाँ पे बहुत यहाँ पे क्या नुकसान करते हैं और बहुत ही लॉस होते हैं किसका, लाइफ का, तो ये कम देखने को मिलते हैं, जब आते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आया था आपका सुनामी स्ट्रक द इंडियन ओशन, जहाँ पे सुनामी आया था इंडियन ओशन के अंदर, कब, दिसंबर 26, 2004 में, इट ट्रेवल्ड थ्रू द इंडियन ओशन एंड कॉज्ड हैविक
एंड हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन कोस्टल एरिया। तो जहाँ पे कोस्टल एरियाज था इंडियन ओशन के पास में जो कोस्टल एरियाज था, तो वहाँ पे बहुत ही नुकसान किया गया था, वहाँ पे बहुत से लोगों का क्या हुआ था, डेथ हुआ था इस सुनामी की वजह से। इंडिया में भी हुआ था, म्यांमार में भी हुआ था, श्रीलंका और थाईलैंड में सबसे ज़्यादा इसका